नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल जो है हांसी विधानसभा में मौजूद हाँ। आप सबने पता, थोड़े दिन पहला जो है चुनाव के परिणाम आए हैं लोकसभा के। इसके तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, उसकी लेके जो है हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है। फिलहाल कांग्रेस नेता शमशेर मलिक हमारे साथ है, बात करेंगे इनसे चुनाव परिणाम को लेके भी और विधानसभा को लेके भी। भाई जी, सबसे पहले राम राम। राम राम भाई, अंकित भाई। शमशेर भाई, बात करूं मैं, चुनाव के जो है परिणाम आ चुके हैं। आपका गांव उमरा जो है सबसे बड़ा गांव था और लोगों की नजर थी क्योंकि सबसे ज्यादा बूथ आपके गांव में थे, तो किसा परिणाम रहा? अंकित भाई, गांव उमरा ने एक तरफा मतलब कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला, 8 बूथ हमारे गांव में थे, 8 में थे, लमसम 2500 से वहां मार्जन से जयप्रकाश जेपी को जिताना काम करा। इस पूरे हांसी हल्के में सबसे गांव बड़ा बड़ा गांव होते हुए और जितने भी मार्जन से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिया है, उमरा गांव ने आज तक इतना मतलब कांग्रेस पक्ष में वोट नहीं डाला। यानी कि कैस का आज तक जितने चुनाव हुए हैं उनमें सबसे बड़ी लीड पहली बार कांग्रेस को उमरा गांव से मिली है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट है अगर किसी गांव से आए हैं और यहाँ से हल्के में तो उमरा गांव से आए हैं। की वजह रही? क्योंकि कई फैक्टर थे, किसान नीति लेके जो इसमें ज्यादा व्यक्ति है, किसान ज्यादा इस गांव में, किसानी फैक्टर चल गया या फिर कोई और मुद्दा चल गया? देखो ऐसा बीजेपी का विरोध था बिल्कुल ग्राउंड पे, लोग बिल्कुल नाराज थे और ये जो हमारा सात बास गांव है या फिर उमरा गांव की बात करा तो ये ज्यादा कर किसानी पे ज्यादा निर्भर है। तो यहाँ से हमारे किसान नेता मांगेराम ढिंगा जी जिसे किसान यूनियन की स्थापना करी थी वो इस गांव से आते हैं, तो इस गांव में लमसम पहले ही बीजेपी का बहुत ज्यादा विरोध था। पर हम एक बात कहूँ, हाँ ये एक भाई जो आज कांग्रेस के पक्ष में ये वोट आया है, ये पहले इनेलो का टाइम होता, इनेलो के पक्ष में इस गांव का माहौल ज्यादा होता था और फिर इनेलो का अस्तित्व खत्म होने के बाद में कांग्रेस के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट डालने का काम गांव उमरा ने किया। बात करूं सातवास का, जिक्र आपने करा, बड़ी बेल्ट है सातवास बेल्ट का, अगर टोटल बात करा तो के कुछ रुझान रहा? पूरे सात गांव की बात करूं मैं, देखो पूरे हल्के की तो आपने पता ही है, पूरे सात गांव की बात करा तो हमें लमसम 7000 वोट सेलम से हमने लीड दी है गांव उमरा और सातवास में। जेपी जयप्रकाश, जयप्रकाश जेपी को बढ़िया जीत दी। कांग्रेस पार्टी के जो है आप नेता हो, उसकी जो है राजनीति करते हो, इसके तुरंत बाद जो है विधानसभा के चुनाव है, मैं कहूँ तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दिनों की, तो विधानसभा चुनाव में जो है के कुछ आप डिमांड रखना चाहो? भाई अंकित भाई, एक के मैं डिमांड करना हूँ, देखो हमारा हल्का में अब तक कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दी, हक तो मारा बनता है, सात बास का हक बनता है, तो किसी बिरादरी या किसी भाई को टिकट दे दो सात बास में सबसे पहले मौका बनता है वहां का, क्यों सबसे बढ़िया मार्जन और सबसे एक तरफा मतलब 80% पोलिंग लमसम कांग्रेस के पक्ष में हुई है। सात बास में किसी ने दे दो या आप अपनी दावेदारी कर रहे हो? देखो मैं कोई दावेदारी की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भाई किसी भी बिरादरी का, 37 बिरादरी का कोई से भाई को दे सात बास से दे तो हम उसका स्वागत करेंगे और तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। क्यों शहर में जो है कोई बड़े बड़े नेता है जो पूर्व में जो अच्छे खासे पदा पर लिए, या फिर दूसरी बेल्टा की बात करूं साइड पे भी बड़े नेता, तो सातवास में एक ही खास लग गया? ऐसा है, कई सालों से सुनने में आया शहर में टिकट, शहर में टिकट, शहर में टिकट, ऐसा शहर में क्या है भाई? वोट गांव के विधायक शहर का ये क्या है भाई? सीधी बात है, जब हर बिरादरी वोट डालने लग रही है, मैं कोई जाति विशेष की बात नहीं कर रहा किसी, बात ये कर रहा हूं कभी ऐसा मौका भी बनेगा, सरकार कभी ऐसा, कांग्रेस सरकार ऐसा भी मौका देगी कि गांव का कोई विधायक बनाए तो। लेकिन सीमा जो है राजनीतिक पंडित एक बात को है कि कांग्रेस का गांव का नेता या टिकट नहीं निकाल सकता, ये ऐसा है भरम फैलाने वाले लोग हैं, ये शहर में बैठे हैं, ये सिर्फ आया था पहले कहते थे मोदी 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 और मोदी की हवा निकल गई, अब ऐसी दी बात यह है कि जो ग्राउंड पे जो लोग आज कहने लग रहे हैं कांग्रेस 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 कहने, तो कांग्रेस की हवा है तो कांग्रेस में अगर किसी नेता ने, गांव के नेता ने, किसी क्षेत्रीय बिरादरी के किसी ने भी नेता ने टिकट देगी तो निश्चिंत है जीत क्लियर है और मार्जन भी इतना बढ़िया होगा कि आप 50000 का आसपास मार्जन रहेगा। यानी आप कहना चाहो गांव का नेता या फिर आपने सात बास की बात करी और तक किसी ने टिकट मिले तो वो जीत सके सीट पर? बिल्कुल जीतेगा, निश्चिंत जीतेगा, शहर में है क्या क्या है इसका मतलब, जितना लोग है कभी ना शहर का कोई शहर का क्यों इस तरह भ्रम फैला रखा लोगों ने, गाँव का नेता मतलब जो ग्राउंड है मैंने तो सारे ग्राउंड की चीजें पता है, अगर मेरे खेत में क्या कमी है, मेरे गांव में क्या कमी है, मेरी गलियों में क्या कमी है, मेरे शहर में क्या कमी है,
सारी चीजें पता होती, ग्राउंड पे चला, सिर्फ एसी में बैठने से और हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा। बात करूं लोकसभा में तो जो है कई फैक्टर चले हैं, मोदी जी का विरोध भी था, तो विधानसभा में आपका गांव की बात करूं, आपके क्षेत्र की बात करूं, हांसी की बात करूं, तो विधानसभा का परिणाम के देखने लगे? हांसी का जो परिणाम है बहुत बढ़िया रहा है, कांग्रेस के पक्ष में रहा है। देखो हार जीत का कोई मायने नहीं रहा, हार का हार का जीत का मार्जिन तो देखो आप, कहो कल ये जो बीजेपी से विधायक बने बैठा 50-55 हजार का मार्जिन बता के रखे थे, आज वो मार्जिन 5-6 हजार वोटों से तक आ गया, तो ये कोई मार्जिन नहीं है। ये तो एक मतलब हमारे गाँव में अगर वो परसेंटेज पोलिंग इतनी गर्मी थी जो इतनी पोलिंग हुई, अगर वो परसेंटेज थोड़ी और बढ़ जाती तो ये मार्जिन कुछ भी नहीं रहता। विधानसभा में तो यार गर्मी भी करो है, गर्मी भी नहीं रही, मौसम भी बढ़िया है, सारा सुधर के लिए तो। और फिर एक काम है, ये इस चुनाव में और विधानसभा चुनाव में तो उसमें दिन रात का फर्क होता है, उसमें ज्यादा लोग और ज्यादा उत्साह होते हैं तो और ज्यादा वोटिंग होगी। लेकिन एक बात आपने माननी पड़ेगी, आपने जो है 20-22 नेता ने मिलकर चुनाव लड़िया, विधायक साहब उनका, मैं अकेला वन मैन आर्मी था। ऐसा कहाँ वन मैन आर्मी था, ऐसा है उसका खुद के पसीने आ रहे थे, सीधी बात यह है। एक काम, वो किसी को नेता मान के नहीं चलता जो ग्राउंड पे है। देखो मैं एक आप कोई उससे बात नहीं कर रहे, नेता बीजेपी में है कांग्रेस में भी है। चलो आज कांग्रेस के जो जितने भी नेता हैं वो एकजुट थे, ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है। और इसमें कोई किन्हीं ने भ्रम फैला रखा था कांग्रेस बटी हुई है, इसमें भी कोई नहीं। आज बीजेपी के जितने भी नेता थे ग्राउंड पर जो जिसने मेहनत करी तो सबको एक साइड में कर दिया, या मतलब ये चाहता कि मैं हांसी का अगर बीजेपी का नेता हूं तो सिर्फ मैं हूं, बाकी तो कार्यकर्ता भी नहीं रखी थी। तो इसके तो यह खुद ने सोचना चाहिए किसकी निंदा करने लग रहे हो, मैं अकेला मैं वाली बात है ना, ये तो मोदी को ले बैठी, इसका तो है ही क्या। चलो ये बातें ठीक है, जो आप अपना अधिकार भी आप डिमांड रख सको ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन अगर टिकट शहर में आ गई तो फिर आप साथ दोगे? ऐसा देखो मैं आऊँ शहर में जो भी मतलब, देखो हम तो सीधी बात यह है कांग्रेस का मतलब जो भी हम तो 100% पहले तो कहा भाई गांव में टिकट आने चाहिए, तो शहर में जो क्या नाम है अब तक जो टिकटें आई हैं या फिर ज्यादा अभी किसी ने बिरादरी ने मिली है, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता, पर कहने की बात यह है अगर ग्राउंड से लोगों ने वोट दिए हैं तो उनका हक बनता है, वो किसी का बिरादरी का हो, 36 बिरादरी का कोई भी हो, गाँव से आ रहा है तो उसको टिकट का हक है। लेकिन फिर भी मान लो अगर शहर में टिकट आ गई तो साथ दोगे? हाँ शहर में टिकट आती है तो हमने जो हमारे बड़े नेता है उनका जैसे आदेश होगा वो कैसे काम पालन करेंगे, हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, जीत तोड़ के मेहनत करेंगे हम, तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। चलो कांग्रेस नेता शमशेर मलिक जी जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने डंके की चोट पे एक बात कही कि ग्रामीण से जो ज्यादा वोट आए हैं तो पहला अधिकार भी जो है ग्रामीण नेताओं का बनता है टिकट का, लेकिन फिर भी अगर आलाकमान जो है शहर में टिकट दे देती है तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते जो है तन मन धन से साथ देंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप हांसी विधानसभा से आते हैं तो खुलकर कमेंट करें कि टिकट जो है किसे मिलनी चाहिए, शहरी नेता को, ग्रामीण नेता को, या फिर आप अपने पसंद के नेता का नाम भी जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।